हेलो फ्रेंड, जोहार झारखंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज होने वाला है मेरा GoPro Hero 11 का रिव्यू और प्लस टेस्टिंग वेस्टिंग होगा थोड़ा सा, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाना था, इसीलिए मैंने फिर से आप लोग के लिए दिखाने के लिए क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है और क्या क्या वारंटी कैसे लेने पड़ता है और भी बहुत कुछ है, तो आप लोग बताते हैं। तो वीडियो बने रहिए और नए वीडियो पे नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के मार दीजिएगा भाई लोग। तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा बॉक्स, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है GoPro Hero 11 ब्लैक और यहाँ पर इसका फोटो है। और इधर आपको कुछ मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या इसमें आता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 27 मेगापिक्सल इसमें है और फिर 5.3K 60fps भी रिकॉर्ड कर सकता है, प्लस 4K 120 पे कर सकता है और 2.7 में 240 में कर सकता है। और फिर वाटर रेजिस्टेंस है इसका 33 फीट मीडिया। तो चलिए इसे खोलते हैं बॉक्स को। तो ये डब्बा पूरा आपको पूरा ब्लैक कलर मिल जाएगा और आपको देख रहे हैं यहाँ मिल रहा है कि GoPro का ब्रांडिंग है। तो डब्बा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर GoPro है तो इसको खोल के देखते हैं। इस तरह का कुछ चेन है तो इस तरह का पूरा रहता है अंदर में। तो पहले इधर कुछ इनवाइस है, कुछ कार्ड्स है और कुछ इंस्ट्रक्शंस। और ये आता है कैसे माउंट किया जाता है, यहाँ पर चार्जिंग कैसे माउंट किया जाता है और बैटरी उटरी कैसे लगाने का सब कुछ। और यहाँ पर दो स्टिकर है तो इसको साइड रखते हैं। और फिर ये इसका चार्जिंग पोर्ट आता है टाइप C2C केबल। फिर एक स्क्रू है और फिर एक माउंट करने के लिए है, जैसे कार में हो गया और हेलमेट में हो गया, ये सब माउंट करने का कुछ है यहाँ पे। और इसके बाद ये GoPro है और नीचे डब्बा कुछ नहीं है तो इन लोगों को साइड में रखते हैं। तो आ जाते हैं कैमरे पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हीरो 11 ब्लैक का ब्रांडिंग है। उसके नीचे आप लोग को मिल जाएगा पावर ऑफ और ऑन बटन। और कैमरा तो बहुत ही मस्त लग रहा, पूरा क्वालिटी बहुत मस्त है। तो ये है आपको फ्रंट में एक स्क्रीन है, ये टच नहीं है। और ये आपको यहाँ पर बैक में एक बड़ा स्क्रीन मिल जाता है, ये टच सेंसर है। और फिर ये चार्जिंग पोर्ट के लिए एक लॉक जैसा है तो इसको खोलना पड़ता है। और यहाँ पर आपका शटर बटन है और नीचे में दो फिंगर्स हैं, फिंगर्स क्लिप बोलते हैं जो अटैच करते हैं, माउंट करते हैं कहीं पे। और ये स्पीकर से नीचे दो। तो बस यही है यहाँ पर ब्रांडिंग है। और यहाँ पर माइक है तो इसको आप ओपन करके दिखाते हैं कैसे ओपन करना पड़ता है। इसको सिंपली आपको ऐसा खींचना पड़ेगा और फिर से ऐसा कर लीजिए खुल जाएगा और ये पूरा भी खुल जाएगा वैसा होगा। और फिर यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, पहले से बैटरी मैंने यूज़ किया था तो यहीं लगा के छोड़ दिया। और आपको इसके साथ कोई मेमोरी कार्ड नहीं मिलेगा, तो मैंने मेरे पास जो 64GB का मेमोरी कार्ड था वही मैंने लगा रखा है। देख सकते हैं इधर ऐसा करके लगता है, ये एकदम छोटा सा स्पेस है, यहीं पर ऐसा लग जाता है, सिंपली ले जाता है। और मैं इसको अब डाल दूँगा यहाँ पर और आप लोग को दिखाता हूँ इसे ऑन करके। तो इसे ऐसा लगा दो और इसको प्रेस करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेस करके रखिए, बीप करेगा, खुल जाएगा कैमरा, कैमरा ओपन हो गया। तो इस तरह का इंटरफेस आ गया कुछ स्टार्टिंग में। आपको वीडियो के लिए आपको सिंपली राइट एंड लेफ्ट स्वाइप करेंगे मोड चेंज होता है। और इसे भी इसको भी प्रेस कर सकते हैं, एक बार देखिए मोड चेंज हो रहा है। तो ये है, फिर ऊपर सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स आपको खोलना है तो ऊपर सिंपली ऊपर से स्वाइप कीजिए और फिर यहाँ बहुत सेटिंग में जाते हैं। और आपको इधर भी प्रेफरेंस सेटिंग यहाँ खोल के बहुत सारे सेटिंग हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा है, डिस्प्ले, लैंग्वेज, रीसेट, अबाउट, मोड्स, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, वॉइस कंट्रोल, GPS, जेंडर, सेटअप ऑटो और बहुत कुछ है। और फिर ये इजी टू कंट्रोल है, कंट्रोल मोड,
जैसे आप वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, अभी अभी जो मैंने कंट्रोल ऊपर स्वैप किया, नीचे स्वैप किया और वहाँ से कैमरा मॉड्यूल चेंज किया तो इजी था। अब इसे प्रो मोड में कर देते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपको फ़ोटो में आएगा तो यहाँ सुपर फ़ोटो, HDR, स्टैंडर्ड और फिर और क्या था, एक स्टैंडर्ड और रॉ, ये सब फ़ोटो है। तो आप इसमें ऑप्शन मिलेगा लीनियर और वाइड का, और फिर इधर स्टॉप वॉच है, इधर फिर मैग्नीफाइन है। आप इसको थोड़ा जूम आउट एंड जूम इन भी कर सकते हैं। ये आपको प्रो मोड मिलेगा, इजी का बोलते हैं, इजी मोड है उसमें नहीं मिलेगा ये ऑप्शन। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इधर वीडियो में भी ऐसी है, ये स्टेबलाइजेशन है, और फिर यहाँ पर भी जूम आउट जूम इन मिलेगा आपको। ये सब जितना भी है सब इसे मिलेगा प्रो मोड में। और यहाँ पर आप फ्रेम सेट कर सकते हैं, 30 फ्रेम में शूट करना है या 24 फ्रेम में शूट करना है, इसी टाइप की। और यहाँ पर आता है फुल फ्रेम, बहुत सारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लीनियर आता है यहाँ पर 24 FPS में। देखिए एक वन है, देखिए 24 FPS, 30 FPS, और फिर ये हॉरिजॉन्टल लॉक के लिए बन रहा है 60 FPS है ये। वैसे कुछ मॉड्यूल है बहुत सारा, टाइम स्लैप में आपको बहुत सारा सेट मिल जाता है, स्टार ट्रेल का ऑप्शन आ जाता है वैक्स और वहीकल टाइम। तो कुछ इजी मोड में, जैसे आप कोई बिगनर है तो आप सिंपली इजी मोड में रख सकते हैं, इजी में भी कोई दिक्कत नहीं वैसा, सब फ़ोटो क्वालिटी वैसे सब बढ़िया आता है। तो आप लोग कुछ वीडियो दिखाते हैं, फुटेज वुटेज। तो अभी ये वीडियो शूट हो रहा है लीनियर प्लस ओरिजिन लॉक पे, तो इसका FPS आपको 240 नहीं मिलेगा, 120 में इसका मिलेगा इसका FPS, और वो भी 2.7K में। तो अब देख सकते हैं आप, मैंने पूरा GoPro को हिला दिया, ऐसे गोल गोल हिला दिया है, पूरा घुमा रहा हूँ मैं गोल गोल, तब पर भी आपको देख सकते हैं पूरे एकदम फ्रेम सेट मिलेगा, फ्रेम वो ऐसा हिलता उलता फ्रेम नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ नया फीचर है GoPro Hero 11 Black का, तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट फुटेज और दिखाते हैं। तो ये है फुटेज लीनियर मोड का, और ये FPS 240 FPS पे हो रहा है 2.7K पे। तो ये वीडियो शूट हो रहा है वाइड मोड पे, आपको इसमें 240 FPS मिल जाता है, तो वाइड एंगल बस इतना ही है। तो ये सुपर व्यू मोड है, इसमें आपको मिल जाएगा 4K 120 FPS का सपोर्ट। तो देखिए आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है व्यू। तो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है हाइपर व्यू पे, आप देख सकते हैं वाइड एंगल कुछ ज़्यादा ही है इसमें, और ये सबसे नया फीचर आया है GoPro में, और इसमें आपको मिल जाते हैं 4K 60 FPS, और एक ऑप्शन और है 5.23K उसमें मिल जाता है आपको 30 FPS। तो इस तरह का कुछ व्यू है। तो फ्रेंड्स वारंटी का कुछ ऐसा है यहाँ पे कि वारंटी हम तो ऑनलाइन मंगाए थे तो हमको वारंटी इनबॉक्स नहीं मिला, हमको क्लेम करना पड़ेगा GoPro के साइट पे जाके। और एक समस्या और हो गया था कि जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में लिखा गया था एक इंटरनेशनल वारंटी 1 साल का और प्लस 1 साल का लोकल वारंटी, मगर हम GoPro के एक सर्विस सेंटर में कॉल किए थे, वहाँ पर 1 साल का वारंटी दे रहा है, और 1 साल का वारंटी कौन देगा हमको अभी तक पता नहीं है। तो मैंने अमेज़ॉन में कॉल किया था तो वो बोलते कि जब तक इसका रिफ़ंड पीरियड ख़त्म नहीं होता, 7 दिन का रिफ़ंड पीरियड होता है, ख़त्म नहीं होगा तब तक आप वारंटी नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो देखते हैं 7 दिन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं हम वारंटी के कहाँ से क्लेम कर पाते हैं। और अमेज़ॉन में तो साफ साफ लिख दिया 1 साल का लोकल वारंटी और 1 साल का इंटरनेशनल वारंटी, तो भाई हम लेके रहेंगे। 1 साल का वारंटी तो GoPro दे रहा है मगर 1 साल का अमेज़ॉन से कैसे करके लेना ही है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।